हम यूथ फाउंडेशन के तमाम छात्र और इनके डायरेक्टर तमाम लोगों को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। महागठबंधन की सरकार में मोहम्मद इसराइल मंसूरी जी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए जाने पर खुशी की लहर है। मंसूरी जी को मंत्री बनाए जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक बधाइयों का तांता लगा रहता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा प्रमाणित कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम यूएस फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के सभी छात्र एवं छात्राओं ने मंत्री इसराइल मंसूरी जी के आवास पर पहुंचकर बारी बारी से डायरी, कलम, गमछा एवं मेडिकल किट देकर उन्हें सम्मानित किया। इधर यूएस फाउंडेशन के डायरेक्टर ने भी गमछा, मेडिकल किट एवं गुलाब देकर मंत्री जी को सम्मानित किए। मंत्री जी छात्र एवं छात्राओं के उत्साह को देखकर गदगद हो गए। मंत्री जी ने सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी करवाए। साथ ही छात्र एवं छात्राओं के स्नेह एवं प्यार को देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री जी ने कहा कि हम छात्र एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि छात्र एवं छात्राएं अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा करें और बिहार एवं देश का नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य एवं देश के बच्चे देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रतिभा के बल पर नाम रोशन करें और दूसरों देशों में भी डंका बजाने का काम करें। देखिए वीडियो में किस तरह से यूएस फाउंडेशन की छात्र एवं छात्राओं ने मंत्री जी को स्वागत कर रहे हैं। बारी बारी से पुस्तक, कलम, डायरी एवं गुलाब फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं। मंत्री जी ने इस दौरान कहा कि आईटी क्षेत्र को अधिक से अधिक मजबूत करने का काम करूंगा। सुदूर देहात में भी जाकर जहां हमारे युवा इससे दूर है उसको भी प्रशिक्षण देने का काम करूंगा, जिससे कि युवा आईटी क्षेत्र में अव्वल बन सके। मंत्री जी के साथ हमारे संवाददाता ने कुछ बातचीत की है, उस बातचीत का अंश वीडियो के लास्ट में है, इसको जरूर देखें। सुबुद्दीन जी, उनको जोरो रख लीजिएगा कुद्दूस जी के याद से, समझ गए बाबा। सब लोग मुंह मीठा कर रहे हैं। सर, यूएस फाउंडेशन की मेडिकल की छात्र छात्राएं ने आपको आज सम्मानित किया है, इस पर आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर
सभी छात्रों का उत्साह, मेरे प्रति जो स्नेह देखने का काम किया है, हम यूथ फाउंडेशन के तमाम छात्र और इनके डायरेक्टर तमाम लोगों को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम चाहेंगे ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख करके और दक्षता हासिल कर देश की सेवा में लगने का काम करेंगे। सर आपको सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का कार्यभार मिला है, आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? आईटी सेक्टर को चूंकि आधुनिक युग हो गया है और बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अब कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए हम चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां के नौजवान आईटी से दूर है उन बीच में भी जा करके और उन लोगों को प्रशिक्षित करवाने का काम। मुजफ्फरपुर में क्या दो कमियां हैं जिसको आप प्रथम प्राथमिकता के अनुसार उसको दूर करेंगे? आईटी पार्क मुजफ्फरपुर में खुलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ।